आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो पूरे विश्व में हर 40 सेकंड में किसी न किसी को ग्रसित करती है, 4 मिनट में किसी की जान जाती है इस बीमारी से, और 80% तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं अगर हमें सही जानकारी है तो। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक के बारे में। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इज मस्ट पर लेकर आया हूँ यह वीडियो, जिसमें हम जानेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में सब कुछ, जैसे कि ये होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इनके सही लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है, और हम इसमें बचाव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ब्रेन स्ट्रोक। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए अगर कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे अपडेट होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, या सिंपल हम इसे स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड सेल्स की सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, जिससे उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की मात्रा नहीं मिलती है, जिससे धीरे धीरे ब्रेन सेल्स मरने लग जाते हैं, और ये कुछ ही मिनटों में ब्रेन सेल्स हमारे मर जाते हैं अगर उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिले। इसलिए हमें इस बीमारी के बारे में जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए ताकि हम अपने ज्यादा से ज्यादा ब्रेन सेल्स को बचा सकें। ये आखिर होते कितने प्रकार के हैं? ब्रेन स्ट्रोक हमारा मेनली 2 प्रकार का होता है, जिसे हम स्कीमिक या हेमरेजिक 2 विभाग में बांटा गया है। स्कीमिक में क्या होता है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, आइदर कभी खून का थक्का खून की नली में जम जाता है ब्रेन में, या फिर ऐसा खून का थक्का जो कहीं बाहर जैसे दिल में या किसी और नसों में बना है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है और वहां जाके नस को ब्लॉक कर देता है, जिसके आगे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है और ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिससे वो मरना चालू हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट अटैक में भी ऐसा ही होता है। और दूसरे प्रकार का होता है हेमरेजिक, जिसे हम बोल देते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया या ब्लीडिंग हो गई है। इसमें क्या होता है कि खून की जो वेसल्स है, जिसे हम आर्टरी बोलते हैं, वो फट जाती है, जिससे वहां पर ब्लीडिंग हो जाती है। एक तो उससे 2 इफेक्ट होते हैं, एक कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है ब्रेन सेल्स को, दूसरा वो जो वहां पर ब्रेन ब्रेन में खून इकट्ठा हुआ है उससे प्रेशर बन जाता है, जिसे सेरेब्रल इडमा बोलते हैं, वो दबाव डालता है ब्रेन टिश्यूज पर, वो भी फर्दर डैमेज करता है। तो ये 2 प्रकार के ब्रेन स्ट्रोक है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, और दोनों का ही ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, अपोजिट है एकदम ट्रीटमेंट। तो इसलिए ये सबसे पहले रूल आउट करना जरूरी है कि ये ब्रेन स्ट्रोक आगे इस्कीमिक है या हिमरेजिक है। जी हाँ, आपको इसके लिए नहीं कुछ ज्यादा करना है, आपको सिर्फ डॉक्टर तक पहुंचना है, वो सीटी स्कैन और एमआरआई करा के कंफर्म करेंगे कि ये किस प्रकार का ब्रेन स्ट्रोक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसे सही उपचार प्रोवाइड कर पाए। इसी में हम जानते हैं मिनी स्ट्रोक यानी TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, ये आखिर क्या होता है। ये भी एक प्रकार का ब्रेन स्ट्रोक है, लेकिन इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, वो विद इन 24 आवर्स ठीक हो जाते हैं। इसमें हमें फर्दर ज्यादा कुछ चिंता की बात नहीं है, कोई रेजिडुअल सिम्टम्स नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ, जिन पेशेंट्स को TIA का अटैक आता है तो उन्हें बहुत ध्यान रखना है फ्यूचर में, क्योंकि उन्हें प्रॉपर स्ट्रोक आ सकता है, तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। उन्हें समय समय पर अपना चेकअप कराना है और डॉक्टर से सलाह लेनी है, ताकि अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो हम उसे दूर कर सकें। अब हम जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, आखिर ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनमें इनका रिस्क बढ़ जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर्स की। जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूं, मैक्सिमम बीमारियों का कारण होता है ओबेसिटी या इनएक्टिविटी, तो ऐसे ही इसमें भी है, अगर ओबेसिटी है या आपका वजन ज्यादा है तो ये एक रिस्क फैक्टर है, या फिर अगर आप इनएक्टिव लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, प्रॉपर एक्टिविटी नहीं है शरीर की, जो नियम अनुसार हमें एक्सरसाइज या फिर मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करना है वो नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको स्ट्रोक से बचना है तो, जिसमें कि हाई कोलेस्ट्रॉल मात्रा अगर हम लेते हैं खाने में तो बहुत ही डेंजरस है, उससे स्ट्रोक के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। हाई फाइबर डाइट लेनी है हमें। अगर हम हैवी या बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, या फिर ड्रग एडिक्शन, कुछ जो ड्रग्स है जो हमारी गवर्नमेंट ने भी इलीगल घोषित की हुई है, जैसे कोकेन, एम्फिटामिन्स, चरस, गांजा, स्मैक, इस टाइप की दवाइयों का हमें सेवन नहीं करना है, ये भी ब्रेन स्ट्रोक के मेन कारण है।
अब हम बात करते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस की जो कि ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ओबेसिटी। जी हाँ, ओबेसिटी भी एक बीमारी है, तो यहाँ पर भी हम उसे डिस्कस करेंगे। अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है या फिर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, ये खतरा है ब्रेन स्ट्रोक के लिए। फिर हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह की। अगर कोई भी रोगी मधुमेह से ग्रसित है तो उसे कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के एक नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में। फिर हाइपरटेंशन, यानी कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है और वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो इससे ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है हमारे ब्रेन स्ट्रोक। या फिर जिन्हें OSA है यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये भी एक प्रकार से ओबेसिटी से रिलेटेड है। स्मोकिंग, अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का। या कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट की कंडीशन, जिसमें हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन या बहुत प्रकार की उसके रिदम में अगर एबनॉर्मलिटीज है हार्ट की, तो ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा रिस्क रहता है कि वहाँ थ्रोम्बस बन जाता है, जो थ्रोम्बस यानी खून का थक्का जो वहाँ से निकल के ब्रेन में पहुँच जाता है और स्ट्रोक करता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर हाँ आपके परिवार में किसी को पहले स्ट्रोक की बीमारी रही है तो आपको भी ये रिस्क फैक्टर, आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आपकी उम्र 55 साल से अधिक है, या फिर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे हार्मोनल थेरेपीज, जो कुछ महिलाएं OCPs लेती हैं, या किसी कारणवश हार्मोन की थेरेपीज लेनी पड़ती है, तो उनमें भी ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर इस ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं। ये मेनली डिपेंड करता है कि कितनी देर तक ब्लड सप्लाई हैम्पर हुई है ब्रेन सेल्स की, या फिर हमारे ब्रेन का कौन सा भाग इससे ग्रसित हुआ है, तो इस पर हमारे मेनली लक्षण डिपेंड करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फेशियल डेविएशन की। मुंह का टेढ़ा होना, एक साइड में आप सडनली ऑब्जर्व करते हैं कि मुंह एक साइड में टेढ़ा हो गया है। जब हम बात कर रहे हैं या कुछ मुंह खोल रहे हैं तो हमारा मुंह एक साइड जा रहा है, दूसरे साइड का मूवमेंट नहीं है, तो ये पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरी हम बात करेंगे स्लरिंग ऑफ स्पीच, जबान का लड़खड़ाना। अगर आप बात करते करते अच्छे से क्लियरली शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, लड़खड़ा रही है जबान, तो ये भी एक स्ट्रोक के साइन है। फिर हम बात करते हैं पैरालिसिस या पैरेसिस की। इसमें क्या होता है, मसल्स की वीकनेस आ जाती है, या तो बिल्कुल ही लकवा मार गया एक साइड का, या फिर वीकनेस आ गई है कि हम याला एक हाथ तो पूरा अच्छे से ऊपर उठा दे रहे हैं लेकिन दूसरा हमारा बस इतना ही उठ रहा है, मतलब वीकनेस आ गई है एक हाथ में या एक पैर में। तो ये मेनली तीन जो लक्षण हैं जिसे हमने कैटेगराइज किया है फास्ट नाम से, फास्ट फेशियल डेविएशन, ए से आर्म वीकनेस, एस से स्पीच। अगर ऐसा है कुछ भी तो हमें फास्ट, टी रह गया, टी में मतलब टाइम टू रीच हॉस्पिटल, हमें जल्दी से एक्शन लेना है और हॉस्पिटल तुरंत पहुंचना है। इसके अलावा जो इसके सिम्टम्स हैं, बॉडी का अच्छे से बैलेंस नहीं बनना, मेमोरी लॉस होना, डिप्रेशन आना, सर दर्द, चक्कर आना, या किसी प्रकार का बिहेवियर चेंजेस होना, तो ये सारे हमारे लक्षण हैं ब्रेन स्ट्रोक के। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन ऑफ स्ट्रोक, यानी हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम जान चुके हैं कि इसके जो रिस्क फैक्टर है, अगर हम उन्हें दूर करते हैं तो हम बचाव कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले ओबेसिटी। जी हाँ, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप उसे कम करें। अगर आप हाइपरटेंशन से ग्रसित है यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। अगर आप इनएक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आप OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से ग्रसित है उसका ट्रीटमेंट करवाएं। और हाँ, हेल्दी डाइट जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहे, फाइबर्स हमारे ज़्यादा रहे, ऐसी डाइट हमें लेनी है जिससे डाइटरी फैक्टर हमारे दूर हो जाए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग एकदम छोड़ दें, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ये सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक का नहीं, शरीर में बहुत ज़्यादा तरीके की बीमारियां हैं जिसके लिए ये रिस्क फैक्टर है। अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत फ्रीक्वेंसी में नहीं लेना है, अगर लेना भी है तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में कभी कभी लेना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपको हाई फाइबर पहुंचाते हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती है, ये बहुत ही फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, मल्टी विटामिन्स, बहुत प्रकार की इसमें खूबियाँ होती है फल में, हरी सब्जियों में, तो इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक की। आखिर हमें पता कैसे चलेगा, कंफर्म कैसे होगा कि कोई पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित है।
आइदर वो इस्कीमिक है या हेमरेजिक है, इसमें सबसे पहले सीटी स्कैन का रोल आता है, सीटी ब्रेन का। आप जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं तुरंत डॉक्टर सीटी ब्रेन के लिए बोलता है, उससे हमें पता चल जाता है कि ब्लीडिंग तो नहीं है। मेनली स्टार्टिंग में हमें ब्लीडिंग का ही पता चलता है, इस्कीमिया थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों बाद ही हमें सीटी स्कैन पर दिखता है। फिर एमआरआई ब्रेन, इसमें हमें डिटेल में पता चल जाता है ब्रेन के बारे में। अगर ये सब कंफर्म हो जाता है कि हमें स्ट्रोक है, तो फिर कुछ और हमें टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, जैसे एमआर एंजियोग्राम, एमआर विनोग्राम, ये डाई देकर इसमें एमआरआई कराया जाता है, जिससे हमें नसों का पता चल जाता है कि कहीं नस में कहीं एन्यूरिज्म तो नहीं बना हुआ है, कहीं ब्लॉक तो नहीं है। फिर डोपलर होता है, ये एक अल्ट्रासाउंड है जिससे हमें ब्लड वेसल्स का पता चल जाता है। इको हमें करवाना पड़ता है हार्ट का, कि हार्ट का फंक्शन ठीक है कि नहीं है, कुछ उसमें कोई थ्रोम्बस या क्लॉट तो नहीं पड़ा हुआ है, और कुछ ब्लड टेस्ट जो हमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल, लिपिड प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं, सीबीसी, रूटीन में किडनी की जांच, लीवर के टेस्ट, कुछ हमें बेसिक टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। तो ये सब तो पूरा डायग्नोस्टिक पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम इस्कीमिक स्ट्रोक की बात करते हैं, जिसमें खून का थक्का जम गया है या खून की सप्लाई कम हो गई है। इसमें इम्पोर्टेंट रोल है गोल्डन पीरियड का। जब भी आपको पहला सिम्टम्स अपीयर हुआ है, उससे लेके 3.5 घंटे से 4 घंटे के दौरान अगर आप अस्पताल पहुंच जाते हैं और आपका डायग्नोसिस बन जाता है, तो आप एलिजिबल हो सकते हो थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बोलाइसिस के लिए या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के लिए। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो अगर इतनी शॉर्ट स्पैन में अगर मरीज आता है और हम उसे दे दें, तो वो खून का थक्का है वो घुल जाता है, वो ब्रेन सेल्स हमारे मिनिमम डैमेज होते हैं और फास्टर रिकवरी होती है। ये विभिन्न प्रकार से किया जाता है, कुछ दवाइयां हैं वो जो देते हैं, उसकी डिटेल यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, वो आपके न्यूरोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेंगे। फिर बात करते हैं कि अगर आप उस विंडो पीरियड में नहीं पहुंचते, तो क्या अब हमारे ब्रेन स्ट्रोक का इलाज नहीं है या अब इलाज कराना का कोई फायदा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी जल्दी इसका इलाज चालू करेंगे उतना ही फायदेमंद होता है। इसमें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का रोल है या फिर ऐसी दवाइयाँ जो खून को पतला करती हैं उनका रोल है, लेकिन ये बहुत कंट्रोल्ड वे में दी जाती है। कई बार क्या है, अगर ओवरडोज हो जाए तो हेमरेज के भी चांसेस बन जाते हैं। घबराएं नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कितनी डोज देनी है, तो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि अगर हमें दवाइयाँ लेंगे तो कहीं ब्रेन हैमरेज ना हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। तुरंत अस्पताल पहुँचे, कोशिश करें कि 3 से 4 घंटे के भीतर ही हम अस्पताल पहुँच जाए, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी इलाज स्टार्ट हो जाए। फिर हम बात करते हैं हिमरेजिक स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें मेनली जो रोल आता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल का, कि ये अमूमन पाया जाता है कि जिसे ब्रेन हेमरेज है उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो उसे कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल करना है, मतलब बहुत जल्दी से कम नहीं करना है, धीरे धीरे कम करते हैं उसमें। और साथ में कुछ आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें एन्यूरिज्म, अगर एन्यूरिज्म है तो उसमें क्लिपिंग का, कोइलिंग का या सर्जरी का रोल आता है इसमें। तो ये सब न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट मिलकर डिसाइड करते हैं कि आखिर इसका करना क्या है। अब हम बात करते हैं, ये तो एक्यूट मैनेजमेंट हॉस्पिटल का आ गया है। फाइनली पेशेंट को अगर पैरालिसिस हो गया है, फेशियल डेविएशन है, धीरे धीरे उसकी रिकवरी होती है, इसमें इमीडिएट रिकवरी नहीं होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर पैरालिसिस हो गया, हाथ नहीं उठ रहा है, पैर नहीं उठ रहे हैं, तो हम ये नहीं सोचे कि 1 या 2 दिन में पूरी रिकवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पहली बात तो इसमें कितनी रिकवरी होगी ये कन्फर्म नहीं होता है, हर पेशेंट में अलग अलग होता है। इसमें सबसे ज़्यादा रोल आता है फिजियोथेरेपी का। जी हाँ, जो लोग हमारे इंडिया में देखा गया है, फिजियोथेरेपी का बहुत ही कम कल्चर है, लेकिन फिजियोथेरेपी सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक में नहीं, ही बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये हमें पहचानना है फिजियोथेरेपी का रोल, और इसमें तो अगर मसल पैरालिसिस है, वीकनेस है, तो धीरे धीरे फिजियोथेरेपी से ही इम्प्रूव होगी। साथ में दवाइयाँ तो देते हैं, लेकिन उसका वीकनेस या उससे रिलेशन नहीं होता है, वो मेनली ब्रेन के लिए दी जाती है, और इम्प्रूवमेंट के लिए, मसल पावर के लिए ब्रेन से जो इफेक्ट आ रहा है, प्लस में फिजियोथेरेपी से मसल स्ट्रेंथन होती है, तो वो जरूर करवाएं आप। घर पर भी, हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर बताते हैं कि आपको घर पर फिजियोथेरेपी करानी है, चाहे तो आप खुद सीख लें या फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट को आप होम विजिट पर बुला सकते हैं। साथ में स्पीच थेरेपिस्ट का रोल आता है, कि जिनकी जबान लड़खड़ा रही है
स्पीच थेरेपिस्ट आके उन्हें थोड़ा सा बेहतर तरीके से बोलने का बता सकते हैं कि अब आप किस प्रकार से अपने आप को मॉडिफाई करें कि आप साफ बोल पाए। तो ये बेसिक बातें थी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। होम टेक मैसेज इसमें ये है कि ब्रेन स्ट्रोक दो प्रकार का होता है, इस्कीमिक हिमरेजिक, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण अगर हमें अपीयर हुआ है तो जल्दी से जल्दी अस्पताल जाना है, हमें लक्षण पहचानने हैं ताकि हमारा ट्रीटमेंट अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाए और हमारे कम से कम ब्रेन सेल्स डैमेज हो, और हाँ सब कुछ होने के बाद में फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं। तो ये था ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। इसमें बहुत सारी बातें हो सकता है छूट गई हों या उतना मैं बता नहीं पाया हूँ, तो अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, लक्षण से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जिसका नाम है healthismust.com वहां पर भी जाकर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा Facebook पेज, Twitter और Instagram पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।